बॉलीवुड में रिलेशनशिप को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं। कभी किसी के साथ किसी का नाम जुड़ना तो कभी टूटना, ये खबरें कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि एक्टर दिशा पटनानी और टाइगर अब रिलेशनशिप में नहीं है। टाइगर दिशा पिछले 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली हैं। एक विलन रिटर्न्स प्रमोशन के दौरान दिशा ने टाइगर श्रॉफ के लिए जो कहा वो उनके रिश्ते की दूसरी ही कहानी बयां करती है। एक्ट्रेस दिशा पटनानी इन दिनों कई वजहों से हेडलाइंस में है। एक तरफ वो एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में बिजी चल रही है, वहीं दूसरी ओर उनके और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप की बातें सामने आ रही है। ब्रेकअप की खबरों के बीच दिशा पटनानी ने बता दिया है कि उनके लिए टाइगर क्या मायने रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि दिशा और टाइगर अब रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिशा पटनानी और टाइगर श्रॉफ अब एक साथ नहीं है, इनका ब्रेकअप हो चुका है। इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। खबरों की माने तो बातचीत में टाइगर और दिशा के ब्रेकअप को दोस्त ने कन्फर्म किया है। टाइगर के दोस्त का कहना है कि उन्हें कुछ हफ्ते पहले अपने दोस्त के ब्रेकअप के बारे में पता चला। हालांकि ब्रेकअप से टाइगर श्रॉफ के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले की तरह फोकस होकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान दिशा ने टाइगर को लेकर अपने दिल की बात शेयर की है। दिशा पटनानी से पूछा गया, अगर टाइगर श्रॉफ, जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर मिस यूनिवर्स 2022 में हिस्सा लेते हैं तो विनर कौन होगा? इसके जवाब देने में दिशा ने बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया और टाइगर का नाम ले लिया। दिशा कहती हैं कि पर्सनली मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। दिशा पटनानी का जवाब जानकर तो यही लग रहा है कि उनके और टाइगर के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।